टीचर्स एसोसिएशन मदरसे अरबिया ने परीक्षा केंद्र मदरसों से हटाकर इंटर कॉलेजों में किए जाने के विरोध में जनपद मऊ के सभी मदरसा शिक्षक प्रधानाचार्य और छात्रों ने भारी संख्या में सदर चौक से एक विशाल जुलूस निकाला और आजम खां के खिलाफ नारेबाजी भी की। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से मदरसा की परीक्षाओं का सेंटर इंटर कॉलेज में बनाया गया है यह गलत है। गौरतलब है कि इस बार मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा नकल करना आसान नहीं होगा। इस वर्ष मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होंगी। अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से वजीर मोहतरम आजम खान ने फैसला लिया है कि अरबी फारसी बोर्ड के इम्तहान स्कूलों और कॉलेजों में करवाए जाएंगे। पहले मदरसों में होते रहे हैं और ये का करके वित्त विहीन परीक्षा करवाने के लिए तो ये मदरसों की तौहीन है और आवाम में हमारा एतमाद मजरूह होता है, इसलिए ये फैसला हमें काबिले कबूल नहीं है। वो नकल विहीन परीक्षा इम्तहान से साफ इम्तहान साफ करवाएं, ये हम लोग चाहते हैं। पुलिस फोर्स लगाएं, इंतज़ाम करें, पैसा दें, पैसा भी नहीं हम लोग को मिलता है। जहां पूरे देश में महिला दिवस मनाकर लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ दरिंदे महिलाओं को भोग का साधन मानकर लगातार बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। देश और प्रदेश की सरकार तो महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तभी तो लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। मऊ जिले के एक और बलात्कार की घटना ने जिले को शर्मसार होने पर विवश कर दिया है। महिला अपने बीमार बच्चे की दवा लेने गांव के पास ही बाजार गई हुई थी और दवा लेकर लौट ही रही थी कि बाजार से पीछा कर रहे गांव के ही एक युवक ने महिला को सुनसान जगह पर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बंदे के नीचे ले जाकर बलात्कार कर फरार हो गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है लेकिन पुलिस बलात्कार की घटना से इनकार कर रही है और मीडिया से बात करने से कतरा रही है। हम जाकर हम इन्होंने दवाई के 7 बजे पूरा बयान दो ठूक कला बाहर हो गए लोग अकेले लड़का फेंक के कौन आदमी था नाम बताओ कनी नहीं रवि बता दे रवि कहाँ का निवासी है CIA स्टाफ द्वारा प्रेमनगर में एक घर से लाखों के जेवरात चुराने के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों से चोरी किए गए जेवरातों के 95% सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। मामले में एक आरोपी अभी भी फरार बताया गया जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है। तो इन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, इनका पूछताछ के लिए रिमांड हासिल किया गया। पूछताछ में इन्होंने चोरी की वारदात को कबूल किया और ये जो गहने इन्होंने चोरी किए थे ये इन्होंने अपने घर से बरामद करवाया। तो क्या सारा माल बरामद कर लिया गया है? जी हाँ, इसमें बरामदगी लगभग 90% से ऊपर। इनका एक साथी फरार है अभी जिसकी तलाश जारी है। नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा रोहतक झज्जर हिसार केथल में जलाए गए प्राइवेट स्कूलों की संपत्ति के नुकसान की जांच टीम बनाकर आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बिना वजह जिन स्कूलों की बसों सहित प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है सरकार उसकी जल्द भरपाई करे। उनका कहना है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल जाता और उनकी बसें ठीक नहीं हो जाती तब तक सरकार रोडवेज की बसों में स्कूली बच्चों की मुफ्त ढुलाई करने के आदेश पारित करें। कुलभूषण का कहना है कि सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि जो व्यक्ति नियमानुसार स्कूल बनाना चाहता है उन्हें बैंकों से अन्य संस्थानों की तरह कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था कराई जाए। देखो, एक बहुत गलत हुआ है कि स्कूलों को जो निशाना बनाया गया और पर्टिकुलर स्कूलों को निशाना बनाया गया, जो एक बड़े खेद की बात है। स्कूल जो है शिक्षा के मंदिर होते हैं, इस पे सभी समाज के बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनके बारे में ऐसा काम करना जो है वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन जो आंदोलनकारी ने किया वो तो निंदनीय था ही, लेकिन सरकार भी जो है सही सहायता स्कूलों को नहीं दे रही, जो हमारा खेद का विषय है। हमने पीछे सरकार में ये बातें उठाने की बहुत कोशिश की और सरकार को अपने आप ही वहाँ के विधायक को भी बताया गया
कि भी इतना इतना स्कूलों को नुकसान हुआ, स्कूलों को बुरी तरह जला दिया गया, फर्नीचर जला दिया गया, स्कूलों की साइंस लैब जला दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सारा जला दिया गया जहाँ बच्चों के रिकॉर्ड्स थे, और स्कूलों की बसों को मेन बहुत टारगेट किया गया। आज स्कूलों की स्थिति है, एक तरफ तो स्कूलों को कोई बैंक लोन नहीं देता, दूसरी तरफ जो है सरकार भी दिन प्रतिदिन इन पे उल्टे सीधे जो है शिकंजे कसती रहती है विभाग को आगे करके। मऊ जिले के ग्रामीण बैंक के कर्मचारी आज यूनाइटेड फॉरम यूनियन RRB यूनियन के तत्वाधान में देशव्यापी हड़ताल पर हैं, जिसे बैंक का कामकाज ठप पड़ा है। कर्मचारियों का कहना है कि वित्त मंत्रालय से निजीकरण की साजिश रची जा रही है, ये हम हरगिज नहीं बर्दाश्त करेंगे। बैंक कर्मियों का कहना है कि धरना प्रदर्शन सरकार के मूल नीतियों के अनुकूल है जो हमें निजीकरण की तरफ ले जा रही है। हम चाहे कितने भी अच्छे ढंग से काम करें लेकिन सरकार हमें प्रति छलावा कर रही है। जिस तरह से नेशनलाइज बैंकों को जो सुविधा है वो ग्रामीण बैंकों को नहीं दी जा रही है, हम लोगों को उस सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन सरकार की उन नीतियों के विरुद्ध है जो हमें निजीकरण की तरफ ले जा रही है। सरकार की सारी योजनाओं को हम चरणबद्ध रूप से जितने अच्छे ढंग से कार्यान्वित करते हैं उसके बाद भी हमारे साथ छलावा करके और हमारा शोषण किया जा रहा है। हमें वो सारी सुविधाएं एक ग्रामीण बैंक के रूप में नहीं दी जा रही हैं जिस तरह से नेशनलाइज बैंक को बाईपार्टाइट लागू किया जा रहा है, हमको उन सारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। ऐसी कंट्रोवर्सी है कि यहाँ से बताया जाता है कि भारत सरकार की तरफ से रोक लगा हुआ है और वहाँ से जब RTI मंगाया जाता है तो पता चलता है कि उन लोगों ने कोई रोक ही नहीं लगाया है। कटरा कोतवाली के नटवा के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। भड़के हुए परिजनों और ग्रामीणों ने वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर शव रखकर घंटों सड़क जाम करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही वीडियोग्राफी द्वारा पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। इसी बीच सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है। सन 2007 में राम ऋषि मौर्य की बेटी हिंदू से दिलीप का विवाह हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से 2010 में हिंदू की करंट लगने के कारण मौत हो गई। लेकिन इन लोगों ने उसको दहेज एक्ट का रूप देके हम लोगों को पति सास ससुर और जेठ को फंसा दिया और उसके बाद वही मुकदमा अभी तक चल रहा था। मिर्जापुर में मुकदमा चल रहा है और हम लोग जब भी जाते थे मिर्जापुर वो सब हम लोगों को धमकाते भी थे। कई बार सुलह की भी बात उन सब ने की, हम लोगों का 11 लाख रुपया भी वो लोग ले लिए हैं, बेमानी कर लिए हैं और अभी भी 20 लाख रुपए की मांग हम लोगों से कर रहे थे। इस वजह से हम लोग सुलह का आशा छोड़ दिए थे और हमारा मुकदमा फाइनल स्टेज में था। 11 मार्च को इसी महीने में उसका अंतिम फैसला आना था, लेकिन ये लड़के को चूँकि उनका केस एकदम खोखला था, हम सब बरी हो जाते उस मुकदमे में, इसलिए उस बात का बदला लेने के लिए राम ऋषि मौर्य, उनके दोनों लड़के अभिषेक और आशीष और उनके दामा साले दामोदर मौर्य, जवाहिर मौर्य और उनके अन्य साथी मिलकर मेरे भाई को साजिश के तहत मार के उसका हाथ पैर बांध के नटवा चौकी के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। श्रीगंगानगर से चलकर श्री हुजूर साहिब जाने वाली ट्रेन का मलोट में रुकने की मांग को लेकर हलके के सिख संगतों की ओर से संघर्ष कमेटी द्वारा 13 अप्रैल से लगातार मलोट रेलवे स्टेशन पर धरना दिया जा रहा है। आज संघर्ष कमेटी की ओर से नेशनल रोड पर जाम करने से पुलिस ने उन्हें रोक लिया और काफी देर धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने धारणकारियों को हिरासत में ले लिया जिसमें औरतें भी शामिल हैं। अज रस्ते रोकने की मजबूरी ये पई कि अज 333 दिन हो गए हैं मलोट रेलवे स्टेशन के बाहर धरना दिते। लगभग एक साल होने वाला है ट्रैक जाम किया गया, मैमोरेंडम दिए गए, बड़े विश्वास दवाए गए पर प्रणाला उत्थे दा उत्थे रहा है। संगतां दी आवाज़ समूह जिन्हां धार्मिक संस्थावां समाज सेवी संस्थावां उन्हां दी आवाज़ कि लंबा समा क्यों हुंदा जा रहा है, साडे मन दे विच पीड़ा है कि साडी उस पंजवें तख्त नदेड़ साहब वाली गड्डी नूं क्यों नहीं रोकिया जा रहा है। एक पासे तो फ्री गड्डियां चलाईया जा रही हैं, दूजे पासे जिथे संगत अपनी जेब दे चो पैसे खर्च के तख्त श्री हजूर साहब के दर्शन करना चाहुंदियां हन पर उन्हां नूं रोकिया जा रहा है। साडा मलोट शहर
डेढ़ लख की आबादी इस आसे पास 70-75 पिंड लगते हैं, 3 विधानसभा हल्के, 3 पार्लीमेंट हल्के, पर पता नहीं क्यों साढ़े मलोट वासियों के नाल मतरेई माँ वाला सलूक किया जा रहा है। जिहड़ा ये असीं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नूं देखदे होए जिहड़ा हैगा उहदे कंट्रोल लई कर रहे हैं। देर से ही सही पर उत्तर प्रदेश सरकार को कैदियों के फिक्र तो हुई और इस पहल की वजह से काफी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसकी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को उम्मीद भी नहीं थी। रामपुर के जिला कारागार में बंद करीब 8 बंदियों को HIV वायरस की पुष्टि हुई है, जिससे रामपुर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रामपुर के जिला कारागार में बंद कैदियों की HIV और सिफिलिस तथा बलगम की जाँच कराने के निर्देश दिए थे। निर्देश मिलने पर जिला क्षय रोग और जिला अस्पताल की टीम जेल में बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंची। इस दौरान जेल के 887 बंदियों की HIV की जांच की गई, जिसमें से 7 बंदियों की जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। जेल में पहले से एक बंदी HIV पीड़ित है। कुल मिलाकर जेल में 8 बंदियों में HIV की पुष्टि हो चुकी है। ये जनपद रामपुर में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जेल है, वहां पर सभी कैदियों को एक शासन आदेश के तहत जांच की गई थी, जिसमें 887 मरीजों की जांच हुई और उसमें अभी 7 मरीज HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी आगे जांचें और होंगी, उसके बाद ये तय होगा कि ये वाकई में इनको HIV की ART जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है उसकी अभी ज़रूरत है कि नहीं है। शुरुआत में एक विंडो पीरियड होता है जिसमें HIV पॉजिटिव तो आ जाता है, लेकिन अभी उसमें बीमारियों के लक्षण नहीं आते। तो जब इनमें बीमारियों के लक्षण उत्पन्न होंगे और इसके लिए एक खास काउंट CD, जिसको हम लोग CD4 काउंट कहते हैं, जब वो CD4 काउंट 300 से नीचे चली जाएगी, तब इनको ART ट्रीटमेंट पर रखा जाएगा। हिसार विजिलेंस विभाग की टीम ने आज सिरसा के कस्बा चौपटा के गांव कोहरिया से पटवारी रोशन लाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी से 4000 रुपए की रिश्वत राशि बरामद की गई। आरोपी ने गांव के किसान लीलू राम से इंतकाल की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत किसान ने विजिलेंस विभाग में दी। कार्रवाई करते हुए आज आरोपी को काबू में कर लिया। रिश्वतखोर पटवारी की सिरसा के नागरिक अस्पताल में चिकित्सकीय जाँच करवाकर उसे शहर के थाना पुलिस को सौंप दिया गया। रोशनलाल रेजिडेंट ऑफ कुमारिया ने कंप्लेन की थी कि लीलूराम पटवारी कुमारिया उससे इंतकाल के एवज में 4000 रुपये की डिमांड कर रहा है, जो हमने BDPO को ड्यूटी में स्टे लगवा के डी साहब से और रेड किया और उसको रंगा था। लीलूराम की शिकायत पर हमने रोशनलाल के खिलाफ एफआईआर। शहीद भगत सिंह की सोच को नौजवानों तक पहुंचाने और नशे से दूर रहने के लिए मोगा के नाचर सिंह लाइफ ऑफ स्टेज की ओर से चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया नुक्कड़ नाटक गीत है। इस प्ले को नौजवानों को भगत सिंह की सोच के ऊपर पहरा देने और उनकी सोच को अपनाने के लिए दिखाया गया है, जिसकी लोगों ने सराहना की। इस मौके पर बलदेव सिंह सड़कनामा के अलावा DM कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि आज के नौजवान जो नशे की दलदल में फंस रहे हैं, उनको इस दलदल से कैसे निकाला जा सकता है, इसलिए भगत सिंह जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर जरूरी है। अज असी मोगा शहर दे विच लाइफ ऑन स्टेज वालों एक पेशकश की है। गीत है ये लिखा है चंद्रशेखर ने, डायरैक्ट किया हरदीप मोगा ने। इस प्ले नू असी अज टिकट शो दे द्वारा किया गया, अच्छा रिस्पोंस मिलिया। कुछ बार मौसम भी खराब सी, बट फिर भी दर्शकों ने बहुत वधिया रिस्पोंस दिता। आपदे वालों बहुत ज़्यादा मेहनत की सी, उसके नाल ही असी इस प्रोडक्शन नू कल नू दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 2 दिनों का यह शो ऑर्गनाइज़ किया सी, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਗੀਤ ਹੈ ਗੀਤ, ਇਹ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਾਈਫ ਔਨ ਸਟੇਜ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮੋਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ
भगत सिंह की सोच वाल प्रेरित किया जाए। पिंजौर में मां की ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। मामला पिंजौर की लेख राम कॉलोनी का है, जहां एक मासूम बच्चे को उसके माता पिता ने खुद से अलग कर लावारिस हालत में एक घर के बाहर ऑटो में छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि पिंजौर की लेख राम कॉलोनी निवासी राकेश नामक व्यक्ति को उसी के घर के बाहर ऑटो में एक बच्चा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। देखने से बच्चे की उम्र करीब 9 महीने मालूम हो रही है और उसके माता पिता को तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन उसके माता पिता का कुछ पता नहीं चला। पुलिस द्वारा बच्चे का मेडिकल करवा कर DDR कार्ड दिया और बच्चे को शिशु निकेतन भेज दिया है। ये राकेश कुमार है, मकान के पास किसी का थ्री व्हीलर खड़ा था, थ्री व्हीलर में लड़का है या लड़की है, क्या उम्र लग रही है? लड़का है, 7-8 महीने, करीब साल के करीब हो सकती है। हालत ठीक है? हालत ठीक है। तो क्या आज कहाँ लाए? इसको हॉस्पिटल में लगाए हैं। इसके माँ बाप की भी वारिस की तलाश की थी, नहीं मिला, नहीं मिले। हुगली रिसड़ा थाना इलाके में मोरपुकुर स्थित मोरपुकुर सैलवनी देवी उच्च बालिका विद्यालय में कृमि की दवा खिलाए जाने के बाद छात्राओं की स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनंद फानंद में शिक्षकों ने गंभीर रूप से बीमार छात्राओं को इलाज के लिए रिसड़ा के सेवा सदन अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना से नाराज अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। परिस्थितियों को बिगड़ता देख विद्यालय की ओर से तत्काल रिसड़ा थाने को सूचित किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ रिसड़ा थाने से OC प्रशांत चटर्जी मौके पर पहुंचे और मामले में हस्तक्षेप करते हुए उग्र अभिभावकों को समझा बुझाकर शांत करवाया। घटना की सूचना मिलते ही रिसड़ा नगर पालिका के चेयरमैन शंकर प्रसाद साहब घटना स्थल पर पहुंचे और अभिभावकों को आश्वासन दिलाया कि बीमार छात्राओं का विशेष उपचार करवाया जाएगा। इस मामले में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती बनर्जी ने जानकारी दी। हुगली वदेश्वर थाना अंतर्गत वैदवाटी के गोविंद नगर इलाके में स्थित रामकृष्ण सेवा धर्माश्रम से पुलिस ने वृद्ध महंत का शव बरामद किया, जिसके बाद समस्त इलाके में सनसनी फैल गई। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस सूत्रों ने बताया कि आश्रम के भीतर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और मृतक महंत को संदिग्ध हालत में पाए जाने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर मौजूद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ हत्या व लूट का मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। কালকে সকালেও আমি পুজো করে গেছি, কালকে রামকৃষ্ণ মহাপরমহংসদেবের জন্মতিথি ছিল, সেই পারপাসে ওনার ওয়াইফও এসেছিলেন মন্দিরে, পুজো টুজো করে আমি অ্যাজপার চলে গেছি। সন্ধ্যাবেলা এসেছি মন্দিরে আরতি করেছি, তখন উনি সুস্থ সবল ছিলেন এবং আমি ওনার সাথে দেখা করেও গেলাম। দাদু বর্ণভঙ্গ করে দিন ঠিক করে থাকবেন। তারপরে পার্শ্ববর্তী বাড়িতে দুর্গাপতিদির বাড়িতে উনি বলছেন যে 8:30 সময় ওনাকে নাকি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। তারপরে কী হয়েছে আমি আর জানি না। আমি সন্ধ্যাবেলা 6:30 থেকে 7:30 মধ্যে এখান থেকে চলে যাই, চলে যাওয়ার পর কী হয়েছে না হয়েছে আমি জানি না। ওনার কি আর কোথাও বাড়ি আছে? ওনার হিন্দ মোটরে শুনেছি নাকি বাড়ি আছে, কালকে ওয়াইফ ওনার এসেছিলেন।